खबर 24 लाइव न्यूज। बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, मनरेगा के तहत बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य करा सकते हैं धरातल पर कार्य। बता दें, विधानसभा चुनाव 2022 से पहले योगी सरकार की तरफ से बड़ी सौगात, देश में पहली बार अधिकार देने वाला प्रदेश बना उत्तर प्रदेश। क्षेत्र पंचायतों को मनरेगा के तहत काम करने का पूर्ण अधिकार देने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। जिला जौनपुर के रामपुर ब्लॉक के क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्यों ने मांगा अपना अधिकार। रामपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को दिया आश्वासन। दिखाते हैं यह रिपोर्ट। बीडीसी हैं, इनकी कुछ मांगे हैं, हम पूछते हैं इनसे, इनकी क्या इनकी मांगे हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, गणेश उपाध्याय। गणेश उपाध्याय जी, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मांगे हमारी यही है कि न्यूज़पेपर में जो है, बार बार न्यूज़पेपर में निकाला जा रहा है कि मनरेगा का जो भी कार्य है वो बीडीसी क्षेत्र पंचायत के थ्रू कराया जाएगा, और इसी के लिए हम लोग अपने इस कार्य को कराने के लिए हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। बट यहाँ पे ना तो कोई बीडीओ है और ना तो कोई और भी अधिकारी यहाँ पे हैं जो हम लोगों की बातें सुने। 2 बज गया, हम लोग 10 बजे से यहाँ आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। यादव जी, क्यों आए हैं आप रामपुर के ब्लॉक पर? हम लोग अपने हक के लिए आए हैं कि जो हम लोग का हक हम लोग को दिया जाए, हम लोग के गांव के विकास करें, बस इसीलिए आए हम लोग। और यहाँ आए हैं 10 बजे से आए हैं, ना कोई अधिकारी है। इस टाइम 2 बज रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। इस समय 2 बज चुके हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लॉक में जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, क्या उनके दरवाजे खुले हैं कि अभी भी ताला बंद है? ये बड़े बाबू हैं, क्या नाम है सर आपका? उमा शंकर है, कनी सहायक जी। तो यहाँ जो बीडीसी आए हैं, सब अपनी मांग को रख रहे हैं, क्या कहेंगे आप, कैसे इनको न्याय मिलेगा? जो न्याय था, हमने इन लोगों को बताया ऐसा ऐसा करिए, जो हमारे पटल का है, हमने कहा पेंशन आप 10-10 जो है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब जो है, निराश्रित महिला पेंशन, आप लोग 10-10 तैयार करके हमको दे दीजिए, हम करेंगे कार्य जो है, महोदय जी से संपर्क करके। महोदय जी तो है नहीं, कुर्सी खाली है, कार्यक्रम लगा है, वही सब है, सभी अधिकारी कर्मचारी सब वही बेनीपुर में है। जी जी जी, सर जी आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम विपिन सिंह है और मैं विकास खंड रामपुर का ब्लॉक प्रमुख हूँ। यहाँ पे सब बीडीसी आपके क्षेत्र के, रामपुर ब्लॉक के अंतर जितने बीडीसी हैं इस समय मौजूद हैं, इनकी कुछ मांगे हैं, ये मांगों पे क्या विचार करेंगे आप? जी, अभी तो आज मैंने खुद पेपर में पढ़ा है कि मनरेगा को लेके कि क्षेत्र पंचायत काम करा सकते हैं, बट इसके बारे में अभी मेरे पूरी जानकारी नहीं है कि इसमें क्या जियो आया है और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो अभी मैंने एक बैठक भी रखी है वीडियो के साथ में, और उसके बाद 30 तारीख को जिले पे भी एक चर्चा होगी इसके ऊपर कि किस तरीके से हम, अगर इनके हक में कोई चीज आया है तो इनको किस तरीके से मैं इनको दिला सकूं, दस बजे से लोग आए हैं यहाँ, वीडियो की कुर्सी खाली है, कोई है नहीं। एक्चुअली ये 10 बजे मीटिंग किसने रखी है, ना मेरे संज्ञान में थी ना वीडियो के संज्ञान में थी। वीडियो साहब रोज नहीं आते हैं? वीडियो साहब अब क्योंकि चुनावी टाइम है तो जिले पे, क्योंकि उनके वो एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर भी हैं और यहाँ के वीडियो भी हैं, क्योंकि वो बक्सा भी संभाल रहे थे, तो अभी एक हफ्ता पहले उनका बक्सा ब्लॉक जो है वो छूटा है। तो काफी जिले पे भी मीटिंग हो रही, क्योंकि चुनावी टाइम पे सब ट्रेनिंग वगैरह ये सब सारी चीजें चल रही है। आपकी तरफ से इनकी मदद किस तरह से की जाएगी? अब जो आएगा, जो आदेश हुआ होगा ऊपर से, सरकार ने क्या आदेश किया है क्षेत्र पंचायत के लिए, वो पहले समझ लेंगे, उसके बाद फिर एक बैठक में अपने लोगों को, जो क्षेत्र पंचायत बीडीसी है, उनके साथ बैठूंगा। थैंक यू।